वहीं स्मृति गृह निर्माण सरकारी संस्था के सदस्यों ने दीपावली व छत्र त्योहार के पूर्व पंडित दीनदयाल उपाध्याय तालाब स्मृति नगर के सफाई व तालाब के आसपास उग चुकी जंगली झाड़ियों को काटने का अनुरोध नगर निगम भिलाई के महापौर नीरज पाल व एमआईसी सदस्य संदीप निरंकारी से किया था, जिसे गंभीरता पूर्वक संज्ञान में लेते हुए निगम कर्मचारियों से पिछले 4 दिनों से तालाब व तालाब के आसपास की सफाई करवाई जा रही है। बुधवार को भी निगम कर्मचारियों द्वारा सुबह तालाब की सफाई की गई। इस बीच बुधवार को भाजपा द्वारा अचानक तालाब की सफाई की मांग को लेकर किए गए धरना प्रदर्शन पर स्मृति नगर वासियों ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए पार्षद पर झूठी वाहवाही लूटने का आरोप लगाया है। स्मृति गृह निर्माण सहकारी संस्था के अध्यक्ष राजीव चौबे ने भाजपा द्वारा किए गए धरना प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया कुछ इस प्रकार से दी। वहीं निगम महापौर नीरज पाल ने स्मृति नगर के तालाब की सफाई को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। स्मृति नगर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय सरोवर एक छोटा सा तालाब है जो गंदगी से पट गया था, काफी गंदी स्थिति थी और कमल की पत्तियां, जलकुंभी और अन्य प्रकार की वनस्पतियों से पूरी तरह से तालाब पट गया था और आने वाले समय में बड़े त्योहारों दिवाली और छठ पर्व को देखते हुए संस्था द्वारा दिनांक 10/10/2022 को महापौर नगरपालिक निगम श्री नीरज पाल को एक पत्र लिखा और एक प्रतिलिपि प्रेषित की थी संदीप निरंकारी जी एमआईसी सदस्य को, चूँकि वो पास के वार्ड के पार्षद हैं और एमआईसी के सदस्य भी हैं, मेरे से अच्छे परिचित हैं। तो हमने निवेदन की, व्यक्तिगत निवेदन भी मैंने किया था कि तालाब की सफाई करवा दें। 4 दिन पूर्व तालाब की सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है और पिछले कल तक तो लगभग आधी से ज़्यादा, 3/4 तालाब साफ हो चुका था, पूरी तरह से तालाब लगभग साफ हो चुका था। उसके बाद ऐसा पता चला है कि उस तालाब की सफाई के लिए कुछ लोग धरने पर बैठे हैं, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन एक बात तय है कि सफाई का काम नगरपालिक निगम द्वारा ही किया जा रहा है और संस्था द्वारा उनको जो ये पत्र लिखा गया उसकी प्रतिलिपि आपके सामने मैं रख रहा हूँ। देखिएगा, ये दिनांक 10/10/2022 का पत्र है, इसमें डेट और डिस्पैच दोनों डाला हुआ है और ये उनके द्वारा पावती जो प्राप्त हुई है महापौर द्वारा और श्री संदीप निरंकारी द्वारा, ये 10/10 की है और इसके तुरंत बाद ये कह लीजिए कि 3 या 4 दिन बाद सफाई का कार्य प्रारंभ हो चुका है। तो उस सफाई से हम पूर्णतः संतुष्ट हैं। धरने का कारण क्या है, कौन किस लिए बैठा है और क्या चाहता है, इसके बारे में बताने में मैं सक्षम नहीं हूँ, इसकी ज़्यादा जानकारी मुझे नहीं है। यदि तालाब की सफाई को लेकर धरना है तो निर्विवाद सत्य है कि तालाब पूर्णतः साफ हो चुका है, आप स्वयं जाकर उसका निरीक्षण कर सकते हैं। आज से 8 दिन पूर्व तालाब की स्थिति क्या थी और आज तालाब की स्थिति क्या है, उसमें से जो निकला हुआ कचरा वो दिख रहा है। पिछले 4 दिन से प्रतिदिन सुबह 6 बजे से लेकर 9 बजे तक लगभग 3 घंटे तक नगर निगम के कर्मचारी तालाब की सफाई का काम कर रहे हैं और निरंतर लगे हुए हैं उस कार्य में। देखिए, जहां तक बात साफ सफाई की है, आने वाले त्योहार को देखते हुए, जो अभी छठ पूजा है उसको ध्यान में रखते हुए, हम लोगों ने शहर के सभी तालाबों को प्राथमिकता से जो हो सकता है साफ सफाई, रंग रोगन, जो जो भी हम नगर निगम द्वारा किया जा सकता है, सभी तालाबों को ध्यान में रखते हुए त्यौहार को, उसकी एक प्रक्रिया है। इस मामले में एक लेटर के माध्यम से जो स्मृति नगर की सोसाइटी जो है, स्मृति नगर गृह निर्माण मंडल, उसके द्वारा एक पत्र शायद 9 या 10 तारीख को या 11 तारीख को ऐसा कुछ था, वो मैं पत्र भी आपको उपलब्ध करा दूंगा, एक पत्र आया था उनके द्वारा कि स्मृति नगर सोसाइटी के अंतर्गत जो तालाब है उसको भी सफाई में ले लिया जाए, क्योंकि वहाँ पे भी छठ पूजा के लिए लोग जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए हमने उसकी सफाई पहले करवा ली है। अब वो पार्षद क्यों बैठा है ये तो पार्षद जान सकता है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि ऐसे कोई विषय नहीं है, काम चल रहा है, सभी स्टेप बाई स्टेप सब काम हो रहे हैं। हाँ, वो कोई विषय होगा, अभी पार्षद क्यों बैठा है तो पार्षद ही बता पाएगा, लेकिन ये विषय पे उसको नहीं बैठना चाहिए क्योंकि ऑलरेडी इसको नगर निगम ने सफाई करवा ली है। और अगर कुछ काम वो चाहते हैं तो आके हमको बताएं, जैसा सोसाइटी वालों ने हमको लेटर दिया, हमने काम कराया, पार्षद भी नगर निगम के पार्षद हैं, हमारे साथी पार्षद हैं, अगर उनकी कोई मांग है तो वो हमको सूचित करें, जानकारी दें, हमको यहाँ मेन ऑफिस में आके दें, आयुक्त महोदय को दें या जोन कमिश्नर को दें, तो उस पर हम लोग गौर कर सकते हैं।
भेदभाव का आरोप लगा रहे हैं, वो कहते हैं कि जहाँ जहाँ भाजपा के पार्षद है वहाँ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं, ये बात तो वो गलत बोल रहे हैं, क्योंकि मैं समय समय पर सभी पार्षदों की जोन वाइज, उसमें कांग्रेस के भी रहते हैं, बीजेपी के भी रहते हैं, और अगर कोई अन्य है, निर्दलीय है, वो भी रहता है, और सभी के मामले मुद्दे जो हैं बिल्कुल प्राथमिकता से हम देखते हैं। चुनाव तक के दल की बात होती है, चुनाव सभी जीते हैं, जो जीते हैं वो सभी पार्षद हैं, और सभी के वार्डों में काम करना, क्योंकि इस चेयर पर मैं बैठा हूँ नगर निगम के महापौर की कुर्सी पर, तो मेरी जवाबदारी पूरे 70 वार्ड को ध्यान में रख के काम करने की है, और मैं उस पर बिल्कुल भी कोताही नहीं करता हूँ। सभी वार्डों में बराबर से विकास के कामों को ध्यान दिया जाता है।